मुस्तफा मरहबा 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 आमदे मुस्तफा। जहाँ वो बैठा हुआ था मुझे वो देख के बस रोना आ गया। मेरा भाई सो भाई दरता भी नहीं है, अभी भी उसका चेहरा मेरे सामने ही रहता है। वक्त जब भी मैं अकेला बैठता हूँ बस मुझे रोना आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का यानी 57 कलर सईदा में। यहां पर गुज़िश्ता दिनों एक सानिया पेश आया। मोहम्मद नवीद चिश्ती नामी नौजवान वापदा की गफलत से 11,000 की मैन लाइन के साथ टकरा गया, जिस पर वो मौका पर ही जाबाक हो गया। इस मौत पर पूरा इलाका सोगवार है, हर आंख अश्कबार है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकया किस तरह पेश आया और यहाँ पर किसकी गफलत है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है जी, मेरे साथ तो बहुत अच्छा था, अच्छा सलूक किया मेरे साथ उसने, तो मुझे तो वो अपना बड़ा भाई मानता था, बल्कि बाप मानता था। वो जब भी कोई काम होता था घर में किसी किस्म का, वो कहता था आप भाई से बात कर लें, पूछ लें, जैसे वो कहते हैं ऐसे कर दो, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। कभी उसने मेरे साथ कभी बहस नहीं की, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो आज उसकी बहुत कमी मुझे महसूस हो रही है, मैं रात को भी सो नहीं सकता हूँ, दिन को भी मेरा बस बुरा हाल है। हमारा वक्त ऐसा गुजरा है, इसको नात पढ़ने का शौक़ था, ज़्यादातर कोशिश लगी रहती थी इसको कि मैं अपनी रिहर्सल करता था ये नात पढ़ने के लिए। तो जब स्कूल जाता था तो स्कूल में भी ये बस गुनगुनाता रहता था, थोड़ा 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 हंसता था। तो घर में जब आता था तो किसी से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं, बस अपने कमरे में बैठा, कभी पढ़ रहा है, कभी नाते पढ़ रहा है, कभी तकरीरें पढ़ रहा है, कभी सबक स्कूल का लिख रहा है, कभी किसी से कोई फालतू बात नहीं। आखिरी मुलाकात मेरी जुमे वाले दिन सुबह हुई है, घर पे सोया हुआ था, तो बस मैं उधर नाश्ता कर रहा था, मेरे सामने बैठा हुआ था वो ऐसे, तो मेरे जहन में वैसे ख्याल आया, मैंने कहा कि ये बाहर क्यों सोया हुआ है, अंदर क्यों नहीं सो रहा। कहते हैं बस अभी थोड़ी देर के बाद मैंने महफिल में जाना है, तो इसलिए जल्दी उठ गया हूँ मैं। तो उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, मैं अपने काम पे चला गया हूँ, तो वो अभी घर पे ही था बस। हाँ, अभी भी मैं जब घर में बैठा हुआ था, जहाँ वो बैठा हुआ था मुझे वो देख के बस रोना आ गया कि मेरा भाई सो भाई दर था अभी नहीं है। तो जब इसका ये वाकया हुआ है तो मैं उधर चौक में मौजूद था, कलर चौक में, तो मैं इतना फासला था तकरीबन बहुत ज़्यादा हुआ तो 15-20 गज का फासला होगा, या ऐसे कर लो 8-10 दुकानें छोड़ के मैं इधर बैठा हुआ हूँ, उधर मेरा भाई जल रहा है, मुझे पता नहीं है। तो मुझे किसी ने बताया कि उधर एक लड़का तारुक साथ अटैच हो गया, वो मर गया है। मैंने कहा शायद यार कोई गुड्डे उड़ाने वाला होगा, तो आजकल तो गुड्डू बहुत ऐसा सिस्टम होता है ना, मैंने कहा शायद पता नहीं किसका बच्चा है। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा यार अभी इधर मेरा काम नहीं, बाहर मैं मेन चौक पर चला गया। जैसे गया तो आगे मेरे मामू का बेटा मुझे मिल गया, उसने बोला यार तुम इधर खड़े हो, तुम्हारा भाई मर गया है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, वो तो काम पे गया हुआ है, महफल पे गया हुआ है। उसने कहा नहीं, नवीद चिश्ती तुम्हारा भाई है, तो वो मर गया तो रेस्क्यू वाले अभी उठा के वो ले के जा रहे हैं। फिर मैं उसके साथ उसी वक्त उसके मोटरसाइकिल पे बैठा तो अस्पताल चला गया, जब आके देखा तो बस भाई ख़त्म हो चुका था, उसकी मुंडी लत थी, जल गया था वो सारा बस।
बहुत दुख हुआ उसका। हुकूमत को चाहिए कि इनको कहें कि ऐसी जहाँ भी किसी किस्म की ऐसी तारें हैं जो बहुत नज़दीक हैं ज़मीन के या छत के नज़दीक हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं आजकल गुंडे उड़ा रहे हैं, किसी का भी बच्चा मर सकता है। आज हमारा गया, कल किसी और का जाएगा। हमें तो बहुत, हमारा भी जो भी है ना, बस नुकसान तो बहुत हो गया है, वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन बस ये है कि अगर वो जो तारे हैं उतार दें या ऊपर नीचे कर दें तो और अच्छा है। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही, बहुत अच्छा गुजारा है। शरारतें भी होती रहती हैं, अक्सर लड़ाई भी होती रहती है। अच्छा। लेकिन यह कभी उसने यह गुस्सा वगैरह नहीं किया, बिल्कुल आराम से सुकून से बात किया करता था। अच्छा। हमेशा ही कभी किसी से ना लड़ाई की है, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ लेन देन कभी कुछ नहीं किया। बहुत याद आती है, अभी भी उसका चेहरा मेरे सामने ही रहता है हर वक्त। जब भी मैं अकेला बैठता हूँ बस मुझे रोना आ जाता है उसकी याद में। आखिरी दिन तो बात हुई नहीं थी, मैं काम पे चला गया था, जल्दी में था, एक इंसानी जान चली गई है। अब क्या कर, ना वो वापस आ सकता है, या तो वापस आए ना तो हम कहेंगे कोई इशू वगैरह लें या किसी से मुकदमा करें या कुछ। उसने वापस तो आना नहीं है। एक मेरे दुकानदार हैं शबा के, उन्होंने मुझे कॉल की थी। अच्छा। उन्होंने फेसबुक पे देखा तो उन्होंने बोला कि इस तरह विद भाई की जो है ना तस्वीर और ये बात चली हुई है कि इस तरह उसकी गर्दन उतर गई है करंट लगने से। मैंने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद उस दुकान पे काम करता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई केबल नहीं है। लेकिन बाद में पता चला वो तो दुकान पे नहीं था, वो तो आगे दूसरी मार्केट में था। फिर एक और बंदे के हमारे कज़न ही हैं, उनकी कॉल आई है थोड़ी देर के बाद, फिर उन्होंने बताया, फिर भी हमने यकीन नहीं किया। उसके बाद रेस्क्यू की गाड़ी की आवाज़ आई हमें, जैसे वो आवाज़ आई तो हमने समझा कि हो सकता है इसी में लेके गए हैं। बस फौरन हम पहुंच गए उधर, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया उसकी डेथ हो गई है। तो जो मैन केबल है ना, छत से तकरीबन 3 या 3.5 फुट ऊँची होगी, यानी कि बिल्कुल सामने ही है। मैं सबसे पहले हक न्यूज़ टीवी का नहायत मशकूर हूँ कि आपने दुख की इस घड़ी में हमारे शाना बशाना खड़े हुए। मरहूम मोहम्मद नवी चिश्ती इंतहाई मिलनसार, आजिज, मस्कीन और बहुत प्यारा हुजूर का सना खान था। इतना बड़ा हादसा हो गया है, ना वाबडा वाले ज़िम्मेदारी ले रहे हैं जिस जगह पे ये हादसा हुआ, ना वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, ना इदारे कुछ काम कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिला कि इतना बड़ा हादसा और इतना प्यारा हमारा दोस्त, मेरा शागिर्द, हमारा भाई हमसे जुदा हुआ। छोटी सी 2 साल की यतीम बच्ची हो गई है, और ख़ुद भी वो यतीम था और बच्ची भी उसकी यतीम हो गई है। तो मैं आपके चैनल की विसात से ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से, बिलखसूस वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, और जो बिजली के और हमारे तहसील TMA के जो अफराद हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस साने की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए, ठीक है, और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। मेरी तकरीबन 20 साल से नवीद भाई से दोस्ती थी, और ऐसा नफीस इंसान है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे साथ तो उसका छोटे भाइयों जैसा तल्लक था, मैं उसका बड़ा भाई था, लेकिन ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके साथ जो भी टाइम गुजरता था, जब भी गुजरता था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के बारे में बात होती थी। जब भी कोई अक्सर बात होती ना एक दूसरे से करते ना, तब भी बस कोई ना कोई मामला से ऐसे टाल मटोल देता था कि इसको छोड़ें या बस ऐसे नहीं करनी है। शरारतें बहुत ही कम, बहुत ही कम। इतने अरसे में चाहे हम एक दिन में 18-20 घंटे इकट्ठे रहते थे, जब भी रात को दिन को महफिल के सिलसिले में जैसा भी आया, लेकिन शरारतों में बहुत कम। उस इंसान में वो ऐसी बात ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 14 साल में ना उसके अंदर से मुझे ऐब नज़र नहीं आया। मैं अक्सर उससे कहता था यार कोई ऐसा वीक पॉइंट तो दो, मैं तो तुम्हारा ऐब निकालूं, लेकिन नहीं। लेकिन असल दोस्ती का अब उसके जाने के बाद पता चला है कि आज 4-5 दिन हो गए जैसे हम रह रहे हैं, हम जैसा अपना टाइम गुजार रहे हैं, कि उसके बगैर बस ऐसे लगता है कि जैसे जीना बहुत मुश्किल है। गुज़िश्ता 4 साल से हमारा बहुत तल्लुक था, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवीद भाई अपने घर में कम वक्त देते थे। मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे, हम महफिल के हवाले से आना जाना, हम इकट्ठे जाया करते थे, आया करते थे जहाँ भी महफिल होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस उम्र के अंदर ना
ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसने अपनी जवानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। बहुत सारे मकामात ऐसे आए हैं, लोगों ने गुस्सा भी किया, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है, लेकिन नवीद भाई के लबों पे मुस्कराहट रहती थी हर वक्त, और वो मुस्कराहट जो थी दमे नज़ा भी उनके लबों पे वैसे ही जारी थी। बहुत नफीस शख्सियत थी, इंतहाई खूबसूरत और पैकरे इज़्ज़ो इनकसार के अंदर थे, वो आजी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत से नवाजा था मगर हुज़ूर की नात के सिलसिले में। उस मार्केट में पहली मरतबा नवीद भाई गए हैं, आज से पहले कभी वहाँ पर नहीं गए थे, पहली मरतबा गए थे और उनका विसाल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि जो बिल्डिंग का मालिक है ना, उसने अगर अनलीगल बनाई है ये बिल्डिंग, इसमें टिया में भी कसूरवार है, वहाँ से तो कोई बंदा अभी तक नहीं पहुँचा यहाँ पर मेरे ख्याल में, और जो बिल्डिंग का मालिक है वो भी नहीं आया यहाँ पर। मोहम्मद नबी चिश्ती साहब हमारे घर के साथ घर जुड़ा हुआ है, एक ही छत है हमारे साथ इनकी, इनके 30 साल से हम इनको जानते हैं, उससे पुराने हमारे तलकात, एक नफीस आदमी, एक रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से छत के ऊपर रोज़े की हालत में खुद ही नात पढ़ते थे, कब हम खुद ही सुनते थे उनको, इतनी माशाल्लाह आवाज़ थी, और हमारे मोहल्ले की जान थी, एक होता ना एक पूरे शहर की आवाज़ जान और हमारे मोहल्ले की खास जान थी हमारी, बल्कि इंतज़ामिया से बल्कि तहसील बल्कि वज़ीर आला तक से हमारी ये दरख्वास्त है कि ये छोटा मोटा सानिया नहीं है, आया इसमें किसकी कोताही है, आया उस मालक की जो मालक की कोताही है, वाबड़ा की कोताही है या TMA की, कोई बंदा इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मालक बोलते हैं हमने दरख्वास्त दी हुई है, वाबड़ा वाले बोलते हैं हमने दरख्वास्त दी हुई है, TMA बोलते हैं हमने दी हुई है, कैसे काम हो गया ये? अगर मालक के जो दुकान वाले हैं, अगर कम अज़ कम अगर उसके अगर ये है तो कम अज़ कम सीढ़ियाँ बंद कर देता अपनी, अगर उसको बताता था मेरे पर उससे लाइन गुजर रही है। उस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता कि बेदाग माजी था उसका, तहसील ज़िले का आगे तक जाता था वो, लेकिन यहाँ पे वो किसी कोई आदमी उस पर ब्लेम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये देखें, यहाँ पे इंसाफ किसी को नहीं मिलता, चाहे नवीद भाई हो चाहे कोई भी हो, जरदारी का, नवाज शरीफ का, इमरान खान का कुत्ता भी मर जाए ना तो 42 दिन सोग बन जाता है, उसके लिए क्या होगा? यहाँ फोक पर्सन आ जाते हैं, कभी कौन आ जाता है कभी कौन आ जाता है, बस दुआ खैर की और चले जाते हैं, बस ड्रामाबाजी शुरू है। इंसाफ देने वाला कोई भी नहीं है, इंसाफ कौन देगा? अल्लाह। नवीद साहब हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त थे, वो उनका तो बहुत दुख हुआ है, ये वाक़या हुआ है उनके साथ। मैं भी इधर ही नज़दीक ही रहने वाला हूँ, लूनी जसियाल मेरा गांव है, तो हमारे घर के ऊपर से भी इसी तरह की तारें गुजरी हुई हैं। तो हमने तकरीबन 2017 के भी इनके वापडा वालों के पीछे लगे हुए हैं कि यार ये हमारी इधर से ऊपर से तारें उतार दो, कंप्लेनें भी दरख्वास्त वगैरह भी दी है, दरख्वास्त मार्क भी करवाई है सब कुछ, लेकिन एक बार वो आए हैं सारा एस्टिमेट वगैरह बना के गए हैं, तो फिर हम दोबारा भी गए हैं तो वो कहने लगे कि कोई नहीं जी आपका क्या नाम है एस्टिमेट ख़त्म हो गया है, वज़ीरे आज़म पोर्टल में आप कंप्लेन दो, कुछ भी नहीं हो सकता। नवीद चिश्ती की मौत एक अजीम सानिया है जो सदियों तक नहीं बुलाया जा सकेगा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि मजीद जानों को बचाया जा सके। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।